आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव सुंदरपुर कल्याण पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 7 किलोमीटर है। 2700 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान राजीव कुमार ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान राजीव कुमार और सचिव राजीव कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामवासियों को काफी सहयोग किया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंदरकी के सुंदरपुर कल्याण ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं और लॉकडाउन के चलते भी यहाँ किस तरह से गरीबों की मदद की गई है, सब की जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जैसे कि 4.5 साल जो है आपके कार्यकाल को लगभग पूरे हो चुके हैं, इसमें पहले तो हमें ये जानकारी दीजिए कि गाँव में आपने जो विकास कार्य करवाए हैं उनमें क्या शामिल है? जैसे नाली खड़े हैं, सीसी टाइल्स वगैरह हैं और गाँव में शौचालय हैं, आवास एक मिला था वो बनवा दिया गया है। केवल एक आवास है? एक आवास मिला था और आवासों के लिए वो सुविधा कराया गया है। कितने परिवार होंगे अभी यहाँ से? लमसम हमारे ग्राम पंचायत में 1000 परिवार होंगे। 1000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? कुल परिवार हैं, जैसे आवास के लिए हैं हमारे गांव में 50 परिवार। जी 50 परिवार जी। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये जो योजनाएं केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए लागू की हैं, तो आपके गांव में क्या इनका लाभ सभी लोगों को मिला है? इन्हें सभी लोगों को लाभ मिला है, जैसे बिजली का है, गैस कनेक्शन है, सभी को लाभ। किसान के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है वो कितने परसेंट लोग? 80% लोगों के खाते में किसान निधि। मिशन कार्य के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल में शौचालय बनवाया गया है और सीसी टाइल्स निर्माण कराया गया है, फर्श कराया गया है, स्कूल की मरम्मत कराई गई है और जैसे कि टोटी वगैरह, टंकी वगैरह, सिस्टम वगैरह एकदम सौंदर्यीकरण जो अब इस वक्त में करवाया गया है, उससे आपको क्या लगता है कि पिछले बीते वर्षों में और अब में क्या फर्क आप मतलब देखते हैं? काफ़ी फर्क हुआ है विकास कार्य में, जैसे कि शिक्षा का जो लेवल है या शिक्षा भी काफ़ी, बच्चों की जो क्वांटिटी है, एजुकेशन क्वांटिटी बढ़ी, बच्चों की क्वांटिटी बढ़ी है, पिछले वर्ष 85% पंचवीं और फिलहाल जैसे 35 बच्चे थे, आज की डेट में 70 बच्चे हैं, मतलब संख्या बढ़ी है। अब जैसे 70 दिन का लॉकडाउन पूरी तरह से रहा है, हालांकि अभी भी जारी है, तो इसमें आपके गांव में कई तरह की परेशानियां लोगों को आई होंगी, तो उनके लिए आपका क्या योगदान रहा है? हमारा ये योगदान रहा, जैसे किसी के पास में अगर राशन नहीं है तो हमने राशन दिलवाया है डीलर द्वारा, अपने पास से भी राशन दिया है डीलर द्वारा, तो जिनके पास राशन कार्ड था उनको तो उन्हें तो मेरा ही मिला है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था जैसे गरीब थे जी और उनके लिए भी हमने दिलवाया है राशन की, आपने जो है व्यवस्था कराई है। बाहर से जैसे प्रवासी मजदूर आए हैं, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं? हमारी ग्राम पंचायत में बाहर से आए हुए सब लोग हैं, उनके लिए हमने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया और उसके बाद में उन्हें राशन भी दिलवाया है और प्रवासी मजदूरों के लिए लिस्ट भी रखी है मजदूरी वाली, कुछ लाभ मनरेगा में उनके नाम जोड़ दिए गए हैं, काम उनको कहीं ना कहीं आपने काम का जो है उनका सहयोग किया है काम बढ़ाने। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा 12 घर, पंचायत भवन, ये तो इसकी मांग करेगी। ये अस्पताल कितनी दूरी पर है? अस्पताल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर। जैसे यहाँ कोई मरीजों को छोटी मोटी परेशानी, बुखार, खांसी है, इस तरह की परेशानी होती है, तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, दवाइयाँ आसानी से, कोई दवाई में कोई परेशानी नहीं होती है, लोकल डॉक्टर भी हैं यहाँ पे और सरकारी अस्पताल भी मैंने देखा, हमारे नया पंचायत मैंने देखा उसमें सरकारी अस्पताल भी है। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से करना चाहिए? हमारी प्रमुख मांग ये है कि तो हमारे ग्राम पंचायत को क्या बोल रहे हैं पंचायत भवन मिलना चाहिए और शमशान घाट मिलना चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार। तो शमशान घाट यहाँ पर बना हुआ नहीं? नहीं, शमशान घाट यहाँ बना हुआ नहीं। लोग कहाँ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय के लिए? वैसे ही अपना खुला हुआ है, उसमें ये नहीं कर सकते, मतलब बना हुआ नहीं है, बना हुआ है। अब जैसे लॉकडाउन
है भी और अनलॉक भी हो चुका है, काफी लोगों ने इसका जो है सावधानी ज्यादा लोग ले रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव में? मैं अपने ग्रामवासियों से ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी सुरक्षा को स्वयं करूँ ना कि सरकार के ऊपर। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। बीते 4 सालों में काफी विकास यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास यहाँ केवल एक मिला है, ओडीए ग्राम पंचायत हो चुकी है, सौंदर्यीकरण स्कूल का काफी हद तक करवाया जा चुका है, जिससे कि जो अच्छा खासा फर्क है वो इस समय देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं भी बाकी हैं, जैसे कि शमशान घाट को लेकर यहाँ प्रमुख मांग रखी गई है। शमशान घाट जो यहाँ बना हुआ नहीं है, पंचायत भवन और ओवरहेड टैंक को लेकर भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा मांग रखी गई है। अशरफली के साथ सुना जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर सौरभ कुमार सर। कहाँ के नागरिक हो? ग्राम पंचायत 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, और आप भी रोजगार सेवक हो जी। यहाँ क्या क्या मतलब कहने के विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ विकास सर हमारे गांव में अच्छा विकास हुआ, मतलब 4.5 वर्षों में, मतलब जो पहले ऐसे मतलब स्थिति जो है ठीक हुई है विकास की, मतलब पहले से बेहतर है। सहमत हो आपने कहा जी। और कुछ कहना चाहोगे जी? अब यह है लॉकडाउन में हमने प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर का, अपना रोजगार दिया है मनरेगा के अंतर्गत जी, हमारे लगभग 1000 मन दिवस पूरे हो चुके हैं इस लॉकडाउन के अंतर्गत, हमने हम लोगों का जो है खास ख्याल रखा।